किंग्स यूनिवर्सिटी कॉलेज इन लंडन ओंटारियो कनाडा। द किंग्स यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इज द यूनिवर्सिटी कॉलेज दैट इज कनेक्टेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो। इट इज अ लिबरल आर्ट्स कॉलेज दैट इज कोड एंड रोमन कैथोलिक। इट वॉज फाउंडेड इन 1954 आउट ऑफ 136 रीजनल यूनिवर्सिटी। साउथ किंग्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग is ranked 49 in the country. In 2023 US World University Ranking, it holds 37th spot. The best global universities lie has King's College London at the position of 33. According to the Times Higher Education, it is ranked 7th in the UK 2022 and 78% is the acceptance rate. इसकी entry requirement की बात करूँ तो SSC, HSC आपका होना बहुत जरूरी है। 12 years की education, higher secondary certificate, SSC, FSC है, आप जो से कह लें 12 years with average of 30-60% marks होना बहुत जरूरी है। अगर बारकेट की बात करें, international बारकेट, IB में 35 points overall होना बहुत जरूरी है। और ए लेवल्स की बात करें तो AAA, AAA या AA आपके पास होना बहुत जरूरी, डिपेंड्स अपॉन द प्रोग्राम। पोस्ट ग्रेड की अगर बात करें तो 4 years बैचलर्स डिग्री ऑन एवरेज ऑफ 70% प्लस आपका होना बहुत जरूरी है। 2 years बैचलर्स डिग्री, 2 years मास्टर्स डिग्री, एवरेज 70% है तो स्टिल यू आर एलिजिबल। और बैचलर्स डिग्री की अगर आपने 4 years वाली की हुई तो एवरेज अगर 65% है तो स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की अगर बात करूं तो IELTS 6.5 ओवरऑल विद नो लेस देन 6.0 इन ईच स्किल्स होना बहुत जरूरी है। TOEFL की बात करूं तो 92 ओवरऑल विद 23 इन राइटिंग होना बहुत जरूरी है एंड 20 इन ऑल अदर सब स्किल होना बहुत जरूरी है। PT की अगर बात करूं तो अकेडमिक PT ओवरऑल 62 आपसे मांगा गया है विद मिनिमम 59 इन ईच सब कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत जरूरी है। ये तो तमाम करते अंडर ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेड की अगर IELTS की बात करूं तो IELTS ओवरऑल 7.0 विद नो लेस देन 6.5 इन रीडिंग और होना बहुत जरूरी है। बाकी तमाम कंपोनेंट में 6.0 जिसमें राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग एक्सेप्टेबल है। TOEFL की अगर बात करूं तो ओवरऑल 100 मांगा गया है विद मिनिमम 25 इन राइटिंग और 23 इन रीडिंग और 20 आपका अदर स्किल्स में होगा। बात करते हैं इसकी ट्यूशन फीसिस के बारे में। अंडर ग्रेजुएट की जो ट्यूशन फीस है वो 32,330 कैनेडियन डॉलर से लेकर 36,208 कैनेडियन डॉलर के इन बिटवीन मिलती है। ग्रेजुएट ट्यूशन फीस 18,984 कैनेडियन डॉलर में आपको मिल जाते हैं। तमाम तरह प्रोग्राम यू कैन चूज एनी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, फी विल बी द सेम। जानते हैं हम इसकी लिविंग कॉस्ट के बारे में। तो किंग यूनिवर्सिटी सजेस्ट दैट द इंटरनेशनल स्टूडेंट एस्टिमेट जो आपका जो ईयर का जो कॉस्ट है वो अराउंड 29,000 कैनेडियन डॉलर है, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस, रेसिडेंस, आपका फूड प्लान्स एंड टेक्स्ट बुक, ईच एंड एवरीथिंग, बुक सप्लाईज वगैरह आपकी लिविंग एक्सपेंसेस शामिल है। फीस से प्लस आपकी अदर सारी 29,000 कैनेडियन डॉलर आपका ऑन एवरेज बन जाता है। अगर इसकी डेडलाइंस की बात करें तो जो 2022-23 की जो आपकी जो इनटेक्स ओपन है, जो अक्टूबर की जो है वो फर्स्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो है वो फॉर्म्स अवेलेबल हैं, जो कि आप OUAC क्योंकि ओंटारियो के अंदर है, OUAC की वेबसाइट ओंटारियो यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन सेंटर के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। और दिसंबर में जो है वो ऑफर्स ऑफ एडमिशन जो है वो जनरली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के प्रोग्राम्स के बिगिन हो जाते हैं। अब दिसंबर से आप जो है वो कंटिन्यू करते हैं थ्रू आउट द विंटर एंड स्प्रिंग एंड मेक श्योर यू एक्सेप्ट योर ऑफर थ्रू द OUAC। तो जैसे ही अगर आपको ऑफर है तो OUAC के थ्रू ही आपको वो एक्सेप्ट करना होता है, अदरवाइज आपको जो है वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं होता। और मार्च के अंदर जो है March 1st इज द जो है वो इसकी डेडलाइन है सबमिशन की और 105 इज द एप्लीकेशन फी है। और इसकी जो डेडलाइन है वो अर्ली कंसीडर कर ली जाती है बाय द जून। आपको उसको जो है तमाम तरह अपनी चीज़ें अपनी कंप्लीट करनी होंगी। एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन मैंने इसकी तमाम तरह डेडलाइंस की डिटेल्स मेंशन की है। और जो एप्लीकेशन फी है वो 100 कैनेडियन डॉलर्स है जो कि रिड्यूस होती है आपकी एप्लीकेशन फीस है। दिस इज नॉन रिफंडेबल अमाउंट। और अप्रैल 15 से पहले पहले आपको अप्लाई करना होता है और फॉल टर्म के लिए, और अगस्त 15 पहले से पहले पहले आपको अप्लाई करना होता है, सॉरी अगस्त 15 से पहले अप्लाई करना होता है फॉर विंटर इनटेक के लिए। डिस्कस करते हैं इसकी स्कॉलरशिप के अंदर। दे डू ऑफर कल्चर वर्क इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अवार्ड, जिसकी अवार्ड वैल्यू जो है वो 1,000 कैनेडियन डॉलर है। एप्लीकेशन एक्सेप्टेड अगर अगस्त 1 से पहले पहले कर ली गई है, सितंबर 30 से पहले कर दी है, तो आप इस अवार्ड को ले सकते हैं। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन ये जिसकी तमाम तरह डिटेल्स मैंने लिखी हुई है कि किस तरीके से आप जो है इस अवार्ड को अवेल कर सकते हैं। इसका तमाम तरह क्राइटेरिया मैंशन है, किस किस इनटेक के लिए लेंगे और क्या क्या बेनिफिट्स आपको होंगे और कितना आपको अकेडमिक रिक्वायर्ड ग्रेड्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर टू अवेल दिस स्कॉलरशिप। सेकेंड स्कॉलरशिप जो यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल एक्सपेरियंटल लर्निंग अवार्ड।
इसका भी जो अवार्ड वॉल्यू है वो 3,000 Canadian dollars के होता है। एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस 30 अप्रैल से पहले पहले आपको करना होता है। ये भी एनुअली पिंक्स के स्टूडेंट्स को मिलता है जो सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं अपने इंटरनेशनल एक्सपीरियंशियल लर्निंग कंपोनेंट्स को एज अ पार्ट ऑफ एकेडमिक कोर्स। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, इसके तमाम डिटेल्स मैंने मेंशन की है। हाउ यू कैन अवेल दिस स्कॉलरशिप, इसका क्राइटेरिया है, और ये स्टूडेंट को अगर पार्ट टाइम है तो 2 installments में भी मिलता है 500 इन ईच करके। थर्ड जो स्कॉलरशिप है, दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल हाई एंट्रेंस स्कॉलरशिप। इसका जो वैल्यू अवार्ड है वो 5,000 Canadian dollars का है। इसकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेड आपकी डेफिनेटली कोई रिक्वायर नहीं होती है। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन या मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com कि किस तरीके से किंग्स यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट जो हैं ये अनलिमिटेड एंट्रेंस स्कॉलरशिप अवार्ड को अवेल कर सकते हैं। इसके अंदर ऑन एवरेज आप समझेंगे आपको हाई स्कूल में 82 से 85% या 84.9% होना बहुत ज़रूरी है, तो आपको 2500 तक का अवार्ड मिल जाता है। और अगर आपको 85 से 89% तक का है तो आपको 3500 तक का आपको जो स्कॉलरशिप अवार्ड मिल जाता है। और अगर आप 90% से 94% तक अगर आप हैं 94.9% तक अगर आप हैं तो आपको 4000 तक का आपको ये हाई स्कूल का जो ये एवरेज अगर आपको ग्रेड को मिल जाता है, और 90% से अबव वालों को बेसिकली 5000 तक का स्कॉलरशिप अवार्ड मिलता है। इसकी तमाम डिटेल्स आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसकी क्राइटेरिया, इसका एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, इसकी डेडलाइंस के कैसे करना है, या मेरी वेबसाइट पर अगर आप जाएँ तो studyabroadupdates.com, वहाँ पर मैंने इसकी तमाम डिटेल्स आप लोगों के लिए मेंशन की हुई।